आज एक बड़े यूनिक से पैटर्न का मैं आपके लिए एक ब्रेसलेट लेके आई हूँ, या आप इसको राखी भी बोल सकते हैं। सो माय नेम इज शैली एंड वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड लिया है, 10 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर है। अब मैं यहाँ पे स्लिट लगाऊंगी, 4 स्लिट मैं एक साइड में लगाऊंगी और अपोजिट साइड में अगेन 4 स्लिट उसके आमने सामने लगाऊंगी। अप्रॉक्स सेम डिस्टेंस पे हमने स्लिट को लगाना है। एक स्लिट मैं यहाँ पे साइड में लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमने टोटल 9 स्टिच लगा लिए हैं। अब हम उसको नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 1, 2, 3, 4 और अब यहाँ पे 5, 6, 7, 8 जो है वो मार्क कर रही हूँ। तो 5 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5, 6, 7, 8 और जो हमारा सबसे कोने वाला है उसमें हमने 9th जो है वो मार्क किया है। तो यहाँ पे अब मैंने वूल ली है, येलो और ब्लू कलर की मैंने यहाँ पे वूल ली है। तो टोटल लेंथ जो है वो मैं यहाँ पे अप्रॉक्स देखिए 100 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ। तो 100 सेंटीमीटर यहाँ पे मैंने मार्क किया और इसमें अब मैं अपनी वूल की स्ट्रिप जो है वो कट करूँगी। तो टोटल जो है 4 स्ट्रिप मैं येलो की यूज़ करने वाली हूँ और 4 स्ट्रिप ही मैं अपनी ब्लू कलर की वूल की यूज़ करने वाली हूँ। तो टोटल 100 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पे लेंथ को लेना है। 4 सेंटीमीटर येलो की स्ट्रिप लेनी है और 4 सेंटीमीटर ही हम हमने स्ट्रैंड्स लेने हैं येलो के और 4 स्ट्रैंड्स ही हम लेंगे अपने ब्लू के। सेम लेंथ ही हमने लेनी है ब्लू की भी और येलो की भी। तो ये जो है एक बहुत ही यूनिक सा पैटर्न बनेगा और इस पैटर्न से हम जो बनाने वाले हैं, ब्रेड करने वाले हैं, उससे हम अपनी राखी या फिर आप अपना ब्रेसलेट, फ्रेंडशिप बैंड जो है वो बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये बनता है, एकदम यूनिक सा पैटर्न बनेगा जो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा ज़रूर। तो देखिए इस तरीके से हमने एक नॉट लगा लेनी है। सारे 8 स्ट्रैंड्स को लेके मैं यहाँ पे नॉट लगा लूँगी और इस तरीके से नॉट लगा ली। थोड़े वूल को हमने छोड़ना है, सेंटर में हम सीजर की हेल्प से इस तरीके से होल करेंगे और यहाँ पे मैं अपना स्ट्रैंड को डाल दूंगी। तो इस तरीके से हम सीजर की हेल्प ले रहे हैं अगेन और अपने स्ट्रैंड्स को इस तरीके से पुश कर दे रहे हैं। नॉट को हमने इस तरीके से होल में देखिए इस तरीके से नॉट को लगा लेनी है जिससे ये निकले नहीं। 4 स्ट्रैंड येलो के और 4 ब्लू के अलग कर देंगे और 1, 2, 3, 4 जो हमने स्लिट लगाए थे उसमें हमने पहले येलो के इस तरीके से डाल देने हैं और नीचे वाले में हम अपने ब्लू के स्ट्रैंड्स को अटका देंगे। तो देखिए पैटर्न हमारा एकदम रेडी है। अब इसको हम कैसे ब्रेड करने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ। जो 4th नंबर पे स्ट्रैंड है उसको हम 9th नंबर पे लेके जाएंगे और जो नीचे वाले स्ट्रैंड्स हैं उसको अब हम ऊपर लेके जाएंगे। तो देखिए ऊपर वाला नीचे किया, नीचे वाला ऊपर, फिर ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, फिर ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो अब सबसे लास्ट वाला जो हमारा था 5th वाला वो रह गया। 5th को अब हम 9th वाले को 5th में ले जाएंगे। तो हमने क्या किया, जो 4th नंबर पे था उसको हम 9th पे ले गए और अब नीचे वाले स्ट्रैंड्स को हम ऊपर ले जाएंगे। 8th वाला ऊपर 5th में ले गए, फिर ऊपर से डाउन लाए, नीचे से ऊपर लाए, फिर हम डाउन लाएंगे, अप लाएंगे, एक तरीके से हम उसको अपोजिट कर रहे हैं। फिर हम उसको डाउन लाएंगे और फिर जो हमारा लास्ट में रह जाएगा वहाँ पे हम जो कोने वाला हमारा था स्ट्रैंड उसको ले जाएंगे। तो देखिए एकदम इजी सा मेथड है, इसी को हमने रिपीट करना है और इसको बनाना है। तो ये रिपीटेशन बेसिस पे आपको यही मेथड को करते जाना है। 4th वाला जो स्ट्रैंड है उसको हमने 9th पे लेके जाना है और बाकी स्ट्रैंड्स को हमने ऊपर से नीचे ले जाना है, नीचे से ऊपर ले जाना है और लास्ट वाले जो होल रह जाएगा उसमें हमने 9th वाले स्ट्रैंड को लेके जाना है। स्ट्रैंड्स को हमने इस तरीके से ही रिपीट करते जाना है। 4th वाले को 9th में ले गए, नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर स्ट्रैंड को ले जाएंगे और इस तरीके से जो लास्ट वाला स्ट्रैंड रह जाएगा उसको हमने 5th में ले जाएंगे 9th वाला स्ट्रैंड। तो देखिए एकदम इजी मेथड है, इसी को आप रिपीट करते जाना है और इससे आप जो एक यूनिक से पैटर्न की हम जो ब्रेसलेट बनाएंगे या राखी बनाएंगे वो बहुत ही सुंदर बनेगी। तो आप इसी स्टेप को रिपीट करते रहें और हम अपने पैटर्न को बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से पीछे जो है वो पैटर्न हमारा बनेगा। तो इसको हमने इसी स्टेप को हम रिपीट करते रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में, मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ। अगर नहीं कुछ समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कुछ आपके सजेशंस हो तो मुझे कमेंट्स में आप बता ही सकते हैं। और इस देखिए इसी तरीके से हम इस स्टेप को रिपीट करते जाएंगे और हमारा पैटर्न जो है वो पीछे से इस तरीके से बनता रहेगा।
तो यहाँ पे देखिए मैं ब्लू और येलो कलर यूज कर रही हूँ। आप अपने चॉइस के कलर्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और बहुत सुंदर से पैटर्न को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी इतना बना लिया है पैटर्न, देखिए बहुत ही सुंदर सा पैटर्न बनता है। अब हमने अपने स्ट्रैंड्स को निकाल लेना है और यहाँ पे अगेन दूसरी साइड में नॉट लगा लेनी है। तो देखिए बहुत ही सुंदर ये पैटर्न बना है, यहाँ पे हम नॉट लगा लेंगे। इस तरीके से हमने नॉट लगा ली और हम एक्सेस दोनों साइड से मेजर करेंगे और एक्स्ट्रा वूल को हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से मेजर करेंगे और दोनों साइड से मेजर करते हुए हम एक्स्ट्रा वूल को कट कर देंगे। और देखिए हमारा जो ये ब्रेसलेट है या राखी है एकदम रेडी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको और अच्छा बनाने के लिए हम इसमें कुछ बीड्स या कोड़ी शेल या कोई चार्म्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये लीफ शेप के चार्म्स हैं, तो इस तरीके से देखिए मेरे पास ये लीफ शेप के चार्म्स हैं, तो मैं यहाँ पे ये ऐड कर दे रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो वाले यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने इस तरीके से सेंटर में मार्क किया। सबसे पहले हम सेंटर में थ्रेड नीडल की हेल्प से इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको अटैच कर देना है थ्रेड नीडल की हेल्प से। आप इसको स्टिच कर लें और इस तरीके से और क्यूट क्यूट से चार्म्स जैसे आप ऐड करेंगे तो इसका लुक जो है वो और सुंदर बनेगा। इसको आप बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, बहुत क्विकली इजीली रेडी होता है और बहुत ही अच्छा ये लगता है। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो ये चार्म्स ऐड हो गए हैं, 3 मैंने ऐड किए हैं और हमारी ये जो बिल्कुल राखी है या ब्रेसलेट है बहुत ही सुंदर सी बनी है। और इस तरीके से आप इसको जब टाई करेंगे तो चार्म से इसका लुक जो है वो बहुत सुंदर लगेगा। तो ये हमारा एकदम रेडी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।